आपने कहावत सुनी होगी कि अगर भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना तो भी उससे भीख ही मांगेगा। ऐसा ही एक भिखारी है बॉलीवुड, एक फौजी जिसके शरीर में 9 गोलियां लगी हैं, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर जाता है और अपने देश के लिए पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल लाता है। इतनी अच्छी कहानी को कोई कैसे बिगाड़ सकता है, लेकिन बॉलीवुड है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी ही एक कहानी इन्होंने खराब करी है। चंदू चैंपियन के नाम से एक नई मूवी आई है कार्तिक आर्यन, आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। इसकी कहानी की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर जी की, जिन्होंने बचपन में देखा कि अगर कोई ओलंपिक मेडल जीत के आता है तो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। तो उन्होंने अपने जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया कि कुछ भी करके मुझे ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना है अपने देश के लिए खेलना। और वो जिससे भी मिलते थे उसे अपना ये सपना बताते थे, लेकिन हर कोई उनकी मजाक बनाता था। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वो बचपन में अखाड़ा ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे भी लोग उनकी मजाक बनाते हैं, उन्हें कोई कुछ सिखाता नहीं है। और एक दिन मजाक मजाक में वो किसी को हरा देते हैं जिससे कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे मारने के लिए पीछे भागने लगता है। तो वो जाने अनजाने में अपना गांव छोड़ के एक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में चढ़ने के बाद वो पहुंचता है पुणे, जहां जाके उन्हें पता चलता है कि अगर आपको ओलंपिक्स में जाना है तो इंडिया से ओलंपिक्स जाने के लिए एक आसान रास्ता है इंडियन आर्मी। जैसा कि हमें पता भी है कि उससे पहले भी मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, ये सभी लोग इंडियन आर्मी से ओलंपिक तक गए और अपने देश का नाम रोशन करा। तो इन्हें लगता है ये तो अच्छा रास्ता है और ये जाकर के आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। यहाँ पर आए तो थे ये पहलवान बनते, लेकिन इस बटालियन में पहलवानी का ऑप्शन ना होने की वजह से इनके जो उस्ताद होते हैं तो वो इन्हें बॉक्सिंग की तरफ पुश करते हैं और वहाँ पे जाके ये अच्छा भी करने लगते हैं। और इसी के चलते इन्हें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है आर्मी खेलों में। ये वहाँ पे जाते हैं, काफी अच्छा कर भी रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से फाइनल्स में हार जाते हैं। तो जो इनके कोच होते हैं वो इनसे नाराज हो जाते हैं। अब ये वापस आके आर्मी में अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और फिर एक दिन पाकिस्तान हमला कर देता है और उस हमले में इन्हें 9 गोलियां लगती है। तो लोगों को तो लगा था कि ये जीवित ही नहीं बच पाएंगे, लेकिन ये सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अपनी जीने की होप छोड़ चुके थे क्योंकि कई सारी सर्जरियों के बाद भी इनकी रीढ़ की हड्डी में एक गोली फंसी हुई थी जो आज तक भी नहीं निकल पाई है। इनका आधा शरीर पैरालिसिस हो जाता है तो इन्हें लगता है जीवित रहने का क्या फायदा है। लेकिन तभी इन्हें होप मिलती है कि तुम पैरालंपिक जा सकते हो, तुम्हारे जैसे लोग पैरालंपिक जाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। दोनों पैर खराब होने के कारण अभी बॉक्सिंग तो कर नहीं सकते, तो ये स्विमिंग में ट्राई करते हैं और स्विमिंग में जाके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं। ये जितनी अच्छी स्टोरी है और जैसे मैंने आपको बताई, इससे कम ही मजा आने वाला है आपको ये मूवी देख। मतलब ये समझ लो अगर तुमने इसका ट्रेलर देखा था ना तो उसमें ज्यादा मजा आया होगा। ये जितने भी बेस्ट सीन थे ना सारे उठा के इन्होंने ट्रेलर में डाल दिए और मूवी में ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो यार। मतलब यार इनकी जो लिखावट है ना वो इतनी कच्ची है, आप किसी भी करेक्टर से कनेक्ट फील नहीं करते हो। जब ये पैरालिसिस पड़े हुए हैं और इनका ब्लैडर पे अपने कंट्रोल नहीं है, वहां पे नीचे लोटे लोटे इनका सुसु निकल जाता है, तो वहां पे आपको दया तक नहीं आती। मतलब लगता है ठीक है यार हो रहा है। इन्होंने सोचा कि एक अच्छी स्टोरी तो है तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे का मोटिव इन्होंने क्लियर ही नहीं करा कि वो ऐसा क्यों है या क्या कर रहा है। जैसा कि हमने विजय राज को देखा तो यार विजय राज की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है और उस आदमी को लाके भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब ये समझो ये क्लियर ही नहीं कर पाए कि ये कॉमिक कैरेक्टर है या ये सीरियस कैरेक्टर है। ये अभी कॉमिक होता है फिर एक सेकंड बाद सीरियस हो जाता है। मतलब एक्टर को इन्होंने बैक स्टोरी प्रदान ही नहीं करी कि तुम ऐसे क्यों हो। सेम गोज विद कार्तिक आर्यन, बस वो एक बात करते रहते हैं कि क्यों हंसता है क्यों हंसता है। भाई ऐसा क्यों हुआ वो ये बताना भूल जाते हैं और इसी वजह से हम कहीं भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। इस रोल के लिए कार्तिक आर्यन ने काफी अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कराया और वो फोटो आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं एक्टिंग की बात करता हूँ तो लगता है जैसे उनके पीछे के मोटिव क्लियर ही नहीं है कि वो ये जो एक्शन कर रहे हैं इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वे ऐसा सोचते हैं। ये हमें सिर्फ बता दिया जाता है किसी और के प्रोस्पेक्टिव से, दिखाया नहीं जाता है कि स्टोरी आर्क होता है कैरेक्टर का कि वो कैसे गिरता है, उठता है, धीरे धीरे उठता है और तब वो बनता है। इन्होंने वो सब खराब कर दिया है। और मतलब डिटेलिंग की तो बात ही छोड़ दो, इन्होंने जब आर्मी वाला सीन दिखाया तो जो उस्ताद होते हैं वो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा, वो तेज आवाज बोलने के लिए वो अपने कोर से बोलते हैं, पेट से। मैं एनसीसी में रह चुका हूँ तो मुझे वो बात पता भी है। लेकिन ये क्या करते हैं, उस्ताद जो है उससे चिल्ला रहे हैं गले से, तो वो बहुत अजीब लगता है यार। ये मूवी लिखी और डायरेक्ट करी है कबीर खान ने, तो कबीर खान ऐसे डायरेक्टर हैं कि कभी तो ये यहाँ का काम देते हैं, कभी ये यहाँ का काम देते हैं। मतलब इनका पोर्टफोलियो देखो एक बार। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इन्होंने डायरेक्ट करी है बजरंगी भाईजान, 83, एक था टाइगर, और जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ट्यूबलाइट भी इन्होंने डायरेक्ट करी है। और ये इनकी चंदू चैंपियन ट्यूबलाइट वाले ग्रुप में जाने वाली है। मतलब इन्हें पोर्टफोलियो बराबर करना था ना कि ज्यादा अच्छी पिक्चर बना दी, कुछ तो खराब करना पड़ेगा। और अभी तो रुको, जब बॉलीवुड अच्छा काम करता है तो देखो मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जब गाली सुनने का काम करोगे तो सुनोगे भी। एक पिक्चर इन्होंने खराब कर दी अच्छी वाली स्टोरी के साथ। इससे पहले इन्होंने एक ऐसी मूवी खराब करी थी ना, और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई रामायण जैसी स्टोरी उठा के आदि पुरुष जैसी भाईयात मूवी बना सकता है, लेकिन बॉलीवुड तो कर लेता है, इसमें तो एक्सपर्ट है। ऐसी एक मूवी आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ जिसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन इन्होंने एग्जीक्यूशन में हक दिया। और अब है इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी चाहिए उस लायक है भी। तो भाई मैं तो कहूंगा सोच लो, अगर तुम कार्तिक आर्यन के लिए देखने जाना चाहते हो तो ठीक है,
लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ खास है नहीं। जब मैं ऐसी स्टोरी सुनता हूँ ना किसी से कि यार कोई आर्मी में रहा है, दो गोलियां लगी है, एक गोली अभी तक शरीर में अटकी हुई है, तुम्हारे देश के लिए पैरालंपिक में पहला मेडल लाते हैं, तो मेरे दिमाग में यार मिल्खा सिंह जैसी, मैदान जैसी अच्छी पिक्चर आती है, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आएगी। मतलब वन टाइम वॉच है, चाहो तो थिएटर में देख सकते हो या घर पे देख लो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मिस कर दो। कम से कम इसकी वजह से मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में हमें कुछ तो पता चलता है। ऐसा योद्धा जिसने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ करा, वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन हमने एक बात देखी है कि यहाँ पे कार्तिक आर्यन एक बॉक्सर का किरदार निभा रहे हैं। अगर बॉक्सिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी देखना चाहते हो ना, वो भी रियल लाइफ से इंस्पायर है, तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखना जिसमें हमने बात करी है मैं लड़ेगा के बारे में। और ऐसे ही जेन्युइन और मजेदार रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो कर दे लाइक, और जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में।